वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। जबरदस्त वीडियो होने वाली है, स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा। 2015 मेरिट भर्ती, 41,520 सीट खाली, 9,007 बाहर कैंडिडेट सीट खाली। तो जबरदस्त आपको कट ऑफ बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्लियर करेंगे 2015 मेरिट भर्ती, उसके बाद अलग अलग कट ऑफ बनाऊंगा, याद रखना। सबसे पहले क्लियर करेंगे 2015 मेरिट भर्ती, इनका कट ऑफ बताएंगे कितना आप सभी का कम कट ऑफ जाने वाला है। हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, ऑर्डर जो है आप सभी का रिजर्व हो चुका है। 17 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, अब इसका फाइनल ऑर्डर ओपन होने वाला है। कब होगा अभी तुरंत पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले हम कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद बताएंगे आपका ऑर्डर कब ओपन होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देखते हैं 2015 मेरिट भर्ती का कट ऑफ कितना कम हो सकता है, ऑफिशियली कट ऑफ कितना गया था, उसके बाद आपका कट ऑफ कितना कम होने वाला है। आप सभी को पता होगा दो ढाई तीन साल हो गए, तो जाहिर सी बात है बहुत से बच्चों को 41,000, 49,000 और जेल बॉर्डर बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो भैया कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। सबसे पहले देख लीजिए कट ऑफ आपका कितना जाएगा। ऑर्डर कब ओपन होगा अभी तुरंत पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ कितना गया था, मेल और फीमेल दोनों लोग का, ठीक ना, क्योंकि आपकी सीट कितनी खाली है अभी पता चलने वाला है, सब कुछ बताऊंगा इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना लेट करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बनाऊंगा आल, उस पर जाके सेलेक्ट कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट फैसला, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फाइनल कट ऑफ, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए फाइनल कट ऑफ कितना गया था 2015 मेरिट भर्ती, जब आपका फाइनल डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट तब कट ऑफ कितना गया था। यहाँ पे देखिए मेरिट वाली भर्ती है, यहाँ पे देखो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पे देख लो अच्छे से स्क्रीन पे देख लेना। आपको अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, आपको एकदम HD क्वालिटी में दिखेगा, फिर भी कोशिश करते हैं आपको साफ दिखे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपकी अंतिम कट ऑफ कितनी गई थी फाइनल जनरल की देख लेना, कट ऑफ गई थी 403.6। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग OBC गई थी 396, अनुसूचित जाति की गई थी 377.07 और अनुसूचित जनजाति ST गई थी 373.1। ओके, इतनी कटाव गई थी, जूम करके देख लेना इतनी कटाव गई थी, कितनी इतनी कटाव गई थी आपका 2015 मेरिट भर्ती का फाइनल कटाव है। आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे देख लिए होंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सेनानी की कटाव कितनी गई थी 391.3 और यहाँ पे देखिए OBC कितनी गई थी 349.17। उसके बाद 36 आरक्षण भूतपूर्व सैनिक का देख लीजिए 343 कट ऑफ इनकी गई थी, बाकी किसी की सीट नहीं थी। आपको इस इतना अच्छे से समझ में आया होगा, ये पूरा ऑफिशियल कट ऑफ है। इसके पहले भी स्टडी फॉर जॉब पे मैं कट ऑफ बताया था, तो उस पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाकी यहाँ पे देख लीजिए यही कट ऑफ है आपकी, यही कट ऑफ इतनी ऑफिशियल कट ऑफ गई थी। अब इसके बाद कितना कम होने वाली है आपको बताने वाले हैं। अब ये तो बात हुई पुरुष की, अब यहाँ पे देखिए महिलाओं को दिखाते हैं आपका कितनी कट ऑफ गई थी 2015 मेरिट भर्ती में। अब यहाँ पे देख लीजिए महिलाओं की कट ऑफ कितनी गई थी 2015 मेरिट भर्ती में, इनकी कट ऑफ कितनी गई थी, इनकी भी सीट खाली है, तो जाहिर सी बात है इनका भी सिलेक्शन बहुत ही आसानी से होने वाला है, जिसका ना तो 41,000 में हुआ होगा और ना ही 49,000 में हुआ होगा और ना जेल वार्डर में हुआ होगा। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आपको जॉब मिलेगी। ऑर्डर कब ओपन होगा अभी पता चल जाएगा, बताने वाले हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख लेना अच्छे से। यहाँ आप देख लीजिए महिलाओं की कट ऑफ कितनी गई थी अंतिम, आपको दिख रहा होगा महिला आरक्षी के पदों पर सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम देख लेना, संशोधित कट ऑफ, यही फाइनल मार्क, यही कट ऑफ गया था आपका, देख लेना यही कट ऑफ है महिलाओं का। फाइनल कट ऑफ इतना गया था, जो इतना नंबर पाई थी महिलाएं उनका सिलेक्शन आराम से हो गया था। तो यहाँ पे देखो जूम कर देते हैं और अच्छे से दिख रहा होगा। जनरल में कट ऑफ गई थी 418.77, OBC में कट ऑफ गई थी 410.6, SC में गई थी 393.73 और ST कैंडिडेट की गई थी 377.23 कट ऑफ गई थी। और यहाँ पे सेनानियों की कट ऑफ देख लीजिए 332 जनरल में और 358 नंबर OBC कैंडिडेट की गई थी महिलाओं का। ये तो महिलाओं का कट ऑफ हुआ, इसके पहले हम पुरुष को बता दिए थे, इतना तो कट ऑफ हुआ 2015 मेरिट भर्ती। अब आगे आपको दिखाते हैं, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ देखिए ये पुरुष की कटाव थी, पुरुष को पता चल गया होगा, और यहाँ पे देखिए ये महिला की कटाव थी, महिला का पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखो। अब आपको बताए थे कल कि भैया वीडियो बन जाएगी, देखो कल लेट हो गई, कल किसी कारण वो वीडियो नहीं डाल पाए, आज वीडियो अपलोड हो रही है, तो एक एक करके वीडियो अपलोड करूँगा। ये 2015 मेरिट भर्ती क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद कटाव आने वाली है 41,520 की, उनकी कटाव कितनी जाएगी खिचड़ी नहीं करूँगा, उसके बाद स्पेशल आएगी, उसके बाद 9,007 बाहर कैंडिडेट, ठीक है ना। सबसे पहले 2015 मेरिट भर्ती क्लियर करते हैं कटाव, उसके बाद 41,520 का, इसके बाद वीडियो आने वाली। अब कितनी कट ऑफ कम जाने वाली है सब कुछ पता चलने वाला है, कितनी कट ऑफ जाएगी कम अभी सब कुछ वीडियो में पता चलने वाला है। आपको दिखा दें ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई थी, अब आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखो आपका ऑर्डर जैसे ओपन होगा तो भैया कट ऑफ कितनी कम जाएगी, आपको मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। ओके, मेडिकल के लिए सभी बच्चों को कॉल किया जाएगा, कितनी कट ऑफ कम होगी देख लेना। यहाँ पे देखो टोटल कितनी ऑफिशियल सीट खाली है, 3,528 सीट खाली है, जो कि बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा ऑफिशियली 3,528 सीट खाली है, तो इनकी जॉब लगने वाली है। यहाँ पे देखो अब इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल
ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ कितना कम जाएगा दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो हम स्क्रीन पे आ गए, जिसका बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे। 2015 मेरिट में कितनी कट ऑफ आप सभी की कम जाने वाली है, सीट कितनी है, 3528 सीट खाली है, तो देख लेना कितनी कट ऑफ आपकी कम होगी। जैसे आर्डर आएगा वैसे तुरंत मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और जैसे मेरिट लिस्ट लगेगी तुरंत मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल करा के आप सभी को ज्वाइनिंग भेजेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत पुरानी है, तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत भेजेंगे, थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो पुरुष वर्ग में सबसे पहले हम कट ऑफ देखते हैं, आपकी कट ऑफ कितनी कम जाने वाली है, इतना स्कोर आ रहा होगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है। यहाँ पे देखो जनरल में कट ऑफ जाएगी 395, याद रखना 395 नंबर कट ऑफ जाएगी, इससे कम हो सकती है, किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम मान के चलना, ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगी, एक्सपेक्टेड है। ओके, ओबीसी कट ऑफ जाएगी 388, याद रखना इतनी जाएगी आपकी कट ऑफ। एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ जाएगी 372 कुछ जाएगी, यहाँ पे देख लेना स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छे से मिला लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ जाएगी 370 नंबर, जिसको कैंडिडेट का होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो कट ऑफ आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, इससे 1-2 नंबर 3 नंबर कम जा सकता है, लेकिन प्लस नहीं जाएगा किसी भी हालत में। कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, और बहुत ही आसानी से आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। बहुत सारी जॉब इसमें आई 3 साल में 2 साल में, बहुत से बच्चों का ऑलरेडी से सिलेक्शन हो गया है, जिसका नहीं हुआ होगा बहुत ही आसानी से होने वाला है। कट ऑफ बहुत बहुत कम जाने वाली है, स्क्रीन पर जो शो कर रहा है इसमें 2-3 नंबर और घटा सकते हो, इससे प्लस किसी भी हालत में नहीं जाएगी। ये तो बात हुई पुरुष की कट ऑफ इतनी जाने वाली है। ओके, अब आपको दिखाते हैं महिलाओं की कट ऑफ कितनी जाएगी, दिखाते हैं। अब यहाँ पे देख लेना महिलाओं की कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, जैसे आर्डर आएगा महिलाओं की कट ऑफ इतनी कम जाने वाली है, देख लो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, अच्छे से देख लेना। महिलाओं की सिविल पुलिस में सीट होती है, इनकी कट कितनी कम कट ऑफ जाने वाली है देख लेना, इतना आपका आ रहा होगा सिलेक्शन आपका श्योर है। जनरल में महिलाओं का 412 नंबर तक जिसका है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी में 404 नंबर तक जिसका है उसका सिलेक्शन श्योर है महिलाओं का, एससी में 388 में इनका सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी कैंडिडेट में जिसका 375 नंबर है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसको कॉल किया जाएगा मेडिकल के लिए। याद रखना जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेना, सीट खाली है 3528, कट ऑफ इतना कम जाने वाला है, इससे कम जाएगा, याद रखना माइनस लगा लेना, इससे कम जाएगा, प्लस किसी भी हालत में नहीं जाएगा। क्लियर, ये तो महिलाओं की कट ऑफ की बात हुई, और इसके पहले आपको बता दिए थे पुरुष की, ये पुरुष वर्ग की है और ये कट ऑफ जो है महिलाओं की है, इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी, अच्छे से आपको समझा दिए, ठीक है ना, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्यूरी दिमाग में कमेंट करके पूछ लेना, आपको बता दिए ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई थी और आपकी कट ऑफ कितनी कम जाने वाली है। अब आप बात करने वाले हैं आपका फाइनल डिसीजन कब आएगा, जाहिर सी बात है 17 तारीख का आप सभी का आर्डर रिजर्व हो चुका है। जीत आप लोग की होगी तो फिक्स है, पक्का है, याद रखना जीत 100% होगी, क्योंकि अगर हारना होता तो हम लोग कब का हार चुके होते, केस जब लड़ रहे थे तभी हार चुके होते, तो भैया जीत होगी। बस थोड़ा से प्रे करो गॉड से कि तुरंत जल्दी से जल्द आ जाए फैसला, और फैसला कब आएगा आपको बता दे रहे हैं, 12 तारीख के बाद किसी भी वक्त आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, याद रखना आज है 10 तारीख ना, आज है 10 तारीख, 12 तारीख के बाद किसी भी वक्त आप सभी का फाइनल डिसीजन आ जाएगा, याद रखना कब, 12 तारीख के बाद किसी भी वक्त आप सभी का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, सिलेक्शन सभी का होगा, जीत आप लोग की 100% होगी, याद रखना श्योर जीत होगी। बस थोड़ा से प्रे करो जल्दी से फैसला आ जाए, अगर हारना होता तो हम लोग हार जाते, बस गौर से प्रे करो कि ये लोग हम केस आराम से जीत जाएं, और तुरंत की सब के सब जितनी सारी सीटें सब के सब भरी जाएं। तो भैया हम तो चाहते सभी को जॉब लग जाए, जितनी सारी सीट खाली सब की सब लग जाए। अब बात करेंगे स्पेशल 41520 की, तो भैया इसके बाद वीडियो आप सभी की आने वाली है, वो भी तैयार हो चुकी है, वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप सभी की कट ऑफ आ जाएगी, आप लोग अच्छे से देख लेना। ये तो स्पेशल कैंडिडेट की बात हुई थी, 15 मेरिट भर्ती, 41,000 वाली वीडियो आने वाली है, उसके बाद फिर 9,007 बाहर कैंडिडेट का बता देंगे, 17,360 में कितनी सारी सीटें खाली हैं उसका भी बायोडाटा आपको दे देंगे, सबको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कितने बच्चे फेल हो, कितने बच्चे पास। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेहनत करके आपके वीडियो बनाए थे, पूरा ऑफिशियल कट आपको खोज कर सर्च करके अच्छे से लाके स्क्रीन पे आपको दिखा दें, इजीली भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। जीत लेंगे हम लोग, किस आराम से जीतेंगे, जितनी सारी सीट है सबकी सब भरी जाएगी, इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है, तो भैया सबको जॉब मिलेगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, दिलासा नहीं है, जीत 100% होगी। ओके, मिलते हैं स्टूडियो, थैंक यू, धन्यवाद।